दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की प्रिपरेशन अच्छे से करा रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, राजस्थान जीके सभी वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट कराए जाएंगे और प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, जो 2014 में पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन हैं मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि जो आधार कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड बना होगा, उसमें कितने अंक का आधार कार्ड होता है दोस्तों? उसमें एक नंबर होता है, तो वो कितने अंकों का होता है? तो टोटल वो हो जाएगा 12 अंकों का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की संसद से क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों, भारत की जो संसद होती है उसमें जो तात्पर्य होता है वो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों का जो मेल होता है वही संसद कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है कि जल का जो घनत्व होता है, जो हम लोग कह सकते हैं जल का जो वाटर की डेंसिटी होती है, किस तापमान पर मैक्सिमम होती है, या कह सकते हैं किस टेम्परेचर पर अधिकतम होती है? तो दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो सर्वाधिक होती है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संविधान का जो 368 अनुच्छेद है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेखन। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है कि टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? आपके घर में टीवी लगी होगी, उसमें एक रिमोट होता है, तो वो जो कार्य करता है वो इंफ्रारेड, ओके, तरंगों के माध्यम से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो सभी को दोस्तों पता होगा कि राष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना होता है तो वो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वह कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम होता है क्षोभ मंडल। और अगला क्वेश्चन बनता है, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो गाइस, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या होता है? तो एक जनजाति होती है भील गरासिया, उसमें एक दापा शब्द आता है, उसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो क्या होता है? तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या पक्ष के बदले में धन, मनी। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो वो हो जाएगा टोटल 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, गुप्त काल में क्या होता था, व्यापारियों का मतलब जो जितने भी ट्रेडर होते थे उनका जो प्रमुख होता था उसको किस नाम से जानते थे? उसको जानते थे सार्थ बाहा। और अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली होती है? तो दोस्तों, एक व्हेल मछली होती है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से व्हेल मछली हो जाएगी जो वास्तविक मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके अगले वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं कुल कितनी सीटें हैं? तो ये हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था,
यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में सिम का अर्थ क्या होता है? तो आपके पास, सभी के पास मोबाइल फोन होगा, उसमें एक सिम कार्य करता है, तो उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये है केरल, असम और पश्चिम बंगाल, ये तीन राज्य हैं ये जो कि चाय के सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा पंजाब हरियाणा, तो ये हो जाएगा आंसर पंजाब हरियाणा। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी है? तो पीटीआई जो है ये है समाचार एजेंसी। चार ऑप्शन दिए थे जिसमें पीटीआई हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों अंटार्कटिका में जो भारतीय स्थायी प्रयोगशाला है उसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। मतलब जो अंटार्कटिका है इसमें कई देशों की प्रयोगशालाएं हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सभी कंट्री हैं यहाँ पे अपनी प्रयोगशाला स्थायी रूप से स्थापित की हैं, जो कि शोध कार्य के लिए स्थापित की गई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो दोस्तों ये है 2014 का पेपर, उस हिसाब से ये 2016 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है कि 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे 2014 के हिसाब से, और आपके हिसाब से हुए होंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट है हमारा, नक्सलवाद की जन्म स्थली नक्सलबाड़ी में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस खाड़ी की है? तो ऑल वर्ल्ड में जो सर्वाधिक तट रेखा है लंबी वो है बंगाल की खाड़ी की। अगला है, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीएम मशीन जो होती है उसका पूरा नाम होता है, या फुल फॉर्म कह सकते हैं, ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा जो जोड़ता है भारत व बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई गंधार कला शैली की, क्योंकि भारतीय और यूनानी कला शैली के मिक्सचर से गंधार शैली कला की उत्पत्ति हुई। ओके, अगला है, फिल्म जो रिलीज हुई थी भाग मिल्खा भाग, उसके निर्देशक का क्या नाम है? तो दोस्तों उसके निर्देशक का नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो दोस्तों जो हमारे ग्रेट पैट्रियट हैं इंडिया के, भगत सिंह ने जो बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में फेंका था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा मुंबई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।